इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर संघर्ष हो रहा है। 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इसराइल पर करीब 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। इसके साथ ही इसराइल में घुसपैठ कर इसराइली नागरिकों पर हमले किए। रॉकेट हमले के बाद चारों तरफ तबाही तबाही है। हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा कि वो गाजा पट्टी से हमला कर रहे हैं। इस भीषण संघर्ष में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है इस भीषण संघर्ष का मूल जड़ क्या है? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं, इस संघर्ष का मूल जड़ है जमीन। नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रकाश गिरी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इसका मूल जड़ है जमीन, जो 35 एकड़ में फैली हुई है। ये तीनों धर्मों का केंद्र है। वो तीनों धर्म कौन कौन से हैं? पहले जान लेते हैं। पहला धर्म है यहूदी, दूसरा धर्म है मुस्लिम और तीसरा धर्म है क्रिश्चियन। इस पूरे जमीन को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। ये जो 35 एकड़ की जमीन है वो मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तीनों धर्मों के लोग इस पर अपना अपना दावा करते आए हैं। यहूदी मानते हैं कि उसी जगह पर एडमकर का सृजन हुआ। यहूदी एडमकर को अपना भगवान मानते हैं। वहीं यहूदियों की एक और मान्यता टेंपल माउंट से जुड़ी हुई है। वो ये है कि एक पैगंबर थे मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम के दो बेटे थे, इस्माइल और इजाक। मान्यता है कि इब्राहिम से ईश्वर ने उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। जब बलि वाली जगह पर पहुंचे तो ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। धार्मिक मान्यता है कि ईश्वर खुश होकर इजाक की जान बख्श दी। यहूदियों की मान्यता है कि इजाक को उसी जगह पर बुलाया गया था जहां पर आज के समय में विवाद हो रहा है। तो ये रही यहूदियों की मान्यता। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष की। मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जगह है मक्का, दूसरी जगह है मदीना और तीसरी सबसे पवित्र जगह है हरम अल शरीफ, यानी यरूशलेम की वो जमीन जिसको लेकर संघर्ष हो रहा है। कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर यरूशलेम पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत चले गए थे। मुस्लिम इस जगह को अपने पवित्र स्थानों में से एक मानते हैं और ये जगह उसी जगह पर स्थित है जहां यहूदियों का टेंपल माउंट स्थित है। अब बात करते हैं तीसरे पक्ष यानी ईसाई की। ईसाई मानते हैं कि इसी शहर में ईसा मसीह ने उपदेश दिया, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि जहां पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया वहीं पर ये विवाद हो रहा है। इसमें सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम धर्म दोनों यहूदियों के बाद आए थे। इसके बाद कई बार इस स्थान को लेकर युद्ध हुआ। फिर आया साल 1948, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस साल फिलिस्तीन को तोड़कर एक और नया देश बना जिसका नाम था इजराइल। इसके बाद जेरूसलम को लेकर कई बड़े देशों ने उस जगह को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें उस जगह को आधा फिलिस्तीन को दिया गया और आधा इसराइल को दिया गया, जिसके बाद से दोनों देशों में ये विवाद चलता चला आ रहा है। हालांकि ये अभी एक अंश है, इसमें कई सारे और किस्से भी हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे। यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चीज को लेकर क्यों विवाद चल रहा है।